कुर्सी से खड़े हुए मोदी और बाइडेन को लगा लिया गले। देखें दो सुपर पावर अमेरिका और भारत कैसे मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठने जा रहे थे कि अचानक आए बाइडेन और दोनों एक दूसरे को मिलते गले लगा लिए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। दुनिया भर के तमाम राष्ट्राध्यक्ष बैठे थे और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन का ये मिलन पूरी दुनिया भर की सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है। दरअसल जापान के हिरोशिमा में इस समय G7 देशों का शिखर सम्मेलन चल रहा है। इस मीटिंग में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिस तरीके से गले लगाया वीडियो सामने आया। जापान में चल रहे शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का जापानी प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने स्वागत किया। इस दौरान वो दोनों से मजाकिया अंदाज में मिले। बाद में पीएम मोदी आकर हॉल में बैठ गए। मोदी एक तरफ, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और फ्रांस के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। जब अमेरिकी राष्ट्रपति हॉल में आए तो वह सबसे पहले पीएम मोदी की तरफ बढ़े और पीएम मोदी की ओर बढ़ने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के आने का पता चलते तुरंत पीएम मोदी अपनी कुर्सी से उठे और जाकर उन्हें गले लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी दूसरी तरफ थी, ऐसे में वो सिर्फ पीएम मोदी से मिलने के लिए उनकी तरफ आए। गले मिलने के बाद उन दोनों ने एक दूसरे को हाथ को थामे हुए कुछ बातचीत भी की। इसके बाद मोदी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और जो बाइडेन वापस लौटने लगे। जब बाइडेन अपनी कुर्सी की ओर बढ़े तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो आकर मिले। लगातार सोशल मीडिया में ये वीडियोस खूब तेजी के साथ चर्चा का विषय बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि असल में ये है सुपर पावर के देशों का मिलना। अगर आपका देश और आपके लोगों आपसे प्यार करते हैं तो दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष भी आपके सामने झुकते हैं। न केवल झुकते हैं बल्कि झुकने पर मजबूर होते हैं और वो आपसे मिलते हैं, ससम्मान मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान के साथ साथ ये देश के 140 करोड़ की जनता का भी सम्मान है। तो ये सुपर पावर का, ये दो सुपर पावर को इस तरीके से मिलना, कहीं ना कहीं चाइना पाकिस्तान जैसे तमाम उन दुश्मन देशों के मुंह पे करारा तमाचा भी है। तो ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ज़रा देख लीजिए इस 20 सेकंड के वायरल वीडियो को, आप इसे कैसे देखते हैं।